अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बिहार में सुशासन की रविवार की सुबह अपराधियों ने चुनौती देते हुए बेगूसराय में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहायक थाना रतनपुर ओपी क्षेत्र के हीरालाल चौक की है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी समेत उसके पूरे परिवार को बंधक बना लिया और 50 लाख की लूट की घटना अंजाम दिया। लूट का विरोध करने पर चाकू से हमला कर स्वर्ण व्यवसायी राजीव मंडल को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि सुबह स्वर्ण व्यवसायी राजीव मंडल अपने घर में परिजनों के साथ बैठे हुए थे। उसी वक्त 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी के घर में दस्तक दी। राजीव मंडल के परिजनों ने समझा कि काम वाली बाई काम पर आई है और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही स्वर्ण व्यवसायी के परिजनों ने दरवाजा खोला, वैसे ही तकरीबन 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधी अंदर घुस गए और पूरे परिवार को बंधक बना लिया। इस दौरान अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी राजीव मंडल के मुंह में कपड़ा देकर टेप लगा दिया और परिजनों से लॉकर की चाबी मांगने लगे। जिस लॉकर का चाबी मिला, उस अपराधियों ने खोलकर सारा सामान ले लिया। साथ ही जो लॉकर नहीं खुले, उनको तोड़कर अपराधियों के द्वारा लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। पहले सुबह हुई इस घटना के दौरान अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी के परिवार में रह रही महिलाओं को हवस का शिकार बनाने की धमकी भी दी। महिलाओं के अनुसार अपराधियों ने घर में लेकर बंद कर दिया और चाबी की मांग करने लगे। इस दौरान अपराधियों ने महिलाओं को बलात्कार करने की भी धमकी दी तथा छोटे बच्चों को गोली मारने की भी बात कही। न्यूज़ इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।